टॉपिक है ग्रूमिंग एंड हाइजीन। ग्रूमिंग का पता है आपको, ग्रूमिंग क्या होती है? क्या होती है ग्रूमिंग? ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, कुछ पता है उसके बारे में? ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में कुछ पता है? वो तो उसके अंदर आता है। ग्रूमिंग बेसिकली होती है अपनी बॉडी का केयर करना, अपने फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना। अपनी फिजिकल अपीयरेंस और हाइजीन को एक साथ मेंटेन करने को ग्रूमिंग बोलते हैं। ठीक है, जब आपने बताया फिजिकल अपीयरेंस का हम कैसे कैसे ध्यान रखते हैं, साइड लॉक्स जो होते हैं उनको एक ही शॉर्ट मार्जिन पे रख के, बालों में तेल कम लगा के, अच्छे से वेल बाल पीछे रख के, एंड उसके बाद अपने नेल्स कटे होने चाहिए, एकदम शॉर्ट नेल्स होने चाहिए एकदम ऐसे। आपके शॉर्ट है? और ऐसे ही ट्रिमिंग, एंड अगर आप मस्टैचेस रखते हैं तो एकदम लिमिटेड साइज़ की होनी चाहिए। जब आते हैं तो चैन वगैरह नहीं पहननी चाहिए, हैंड्स पे भी कुछ नहीं पहनना चाहिए। रीज़न पता है क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि जब हम करते हैं ना सफाई, जैसे आप करते होंगे तो डस्टिंग वगैरह भी आप करते होंगे, तो एट द टाइम ऑफ डस्टिंग कभी कभी अगर हमने कुछ आर्टिफिशियल पहना है ना तो वो सरफेस पे रब होगा, जैसे सरफेस भी ख़राब होगी और आपके हाथों में भी पेन होगा, इसीलिए मना करते हैं। और अपने मोबाइल्स वगैरह, अगर आप मोबाइल रखते हैं अपने पास तो अपने पॉकेट में रखिए, अननेसेसरी आइटम्स अपने लॉकर में रखिए। ठीक है, और अगर कोई गंदा काम करते हैं, मतलब डस्ट में काम करते हैं, तो आपको ग्लव्स पहनने हैं। इनके साथ ग्लव्स नहीं पहन पाते तो आपको अपने हाथ धोने हैं। आज हम हाथ धोने के भी 7 स्टेप्स पे ध्यान देंगे कि प्रॉपरली हाथ कैसे धोते हैं। ठीक है, और अपने साइज़ की पहनिए, शूज़ भी पॉलिश पहनिए, अपने साइज़ के पहनिए, अपने साइज से छोटे नहीं पहने, अपने साइज से बड़े नहीं पहने, दोनों में दिक्कत होगी। और एकदम नीट एंड क्लीन पहननी है। परफ्यूम्स लगाते हैं आप? परफ्यूम्स लगाते हैं तो लाइट रखने हैं, क्योंकि उससे जो स्वेटिंग से पसीने से होने वाले जर्म्स होते हैं ना वो रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब आपको पता है। ज्वेलरीज वगैरह कोई आर्टिफिशियल्स नहीं पहनने हैं, पहनने हैं तो क्लासी पहनने हैं। उसके बाद अब आता है ग्रूमिंग, हमने कवर कर लिया, बेल्ट भी पहननी होती है, वो सब आप सब अपने सबको बताया होगा। अब आता है सेकंड स्टेप, हाइजीन। हाइजीन में कैसे ध्यान रखते हैं? जब छींक आती है तो आप कैसे फेस कवर करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे? व्हाट इज द गुड वे, ऐसे या ऐसे? हाँ, ये वाला वे, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं ना अगर हम ऐसे करते हैं तो वो हाथों में रह जाते हैं। अगर इनकेस आप ऐसा करना भूल जाते हैं और ऐसे करते हैं तब भी अपने हाथों को एकदम अच्छे से धोना है। अब हाथों को धोने के 7 स्टेप्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये आप देखिए, सबसे पहले साथ साथ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाथों में पानी लेना है, दोनों हाथों में, आप भी साथ साथ करिए। फिर उसके बाद रब करना है दोनों हाथों को, करो करो, दोनों हाथों को रब किया, फिर बीच बीच में से दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ अंदर की साइड के सारे जर्म्स को रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर बैक साइड से, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर एक एक फिंगर बाय फिंगर। ठीक है, डिस्कनेक्ट होकर आ रहा था, फिंगर बाय फिंगर, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक है, 7 to 10 seconds आपको ये स्टेप करने हैं। फिर उसके बाद अच्छे से हाथ धोने हैं और अपने हाथों को ड्राई रखना है, गीले गीले हाथ लेके काम नहीं करना। ठीक है, अपने आप को प्रिकॉशन रखो, वेल मेंटेन रखो, बस।